आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं उसके सजेशन हमें दी है स्वप्निल ने, और वीडियो का टाइटल है एपिसोड 8 गणपति पुले टू रत्नागिरी कोंकण टूर गणपति पुले टेम्पल महाराष्ट्र टूरिज्म। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को, उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आप जानते ही हैं कोस्टल महाराष्ट्र टूर कर रहे हैं। इस पूरे रीजन को कोंकण बोलते हैं, मैंने काफी बार इसका जिक्र किया। कल रात में हम गणपति पुले पहुंचे। रहने के लिए यहां पर हमने अकोमोडेशन लिया है MTDC रिजॉर्ट में। इस समय मैं रिजॉर्ट के अंदर से ही आपको समुद्र का व्यू दिखा रहा हूँ। ये जगह मेरे को बहुत पसंद आ रही है। एक तो रीजन ये है कि यहाँ खड़े होके आप सी व्यू देख सकते हो। दूसरी बात ना, जो मुझे बड़ी इम्प्रेस कर रही है वो ये, यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। जहाँ नज़र मारो आपको पेड़ पौधे अपना कोकोनट ट्रीज तो जितने कह लो उतने कम है। जहाँ नज़र मारो आपको बहुत सारा कोकोनट ट्री दिखाई देगा। नाइस प्लेस, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर रहने की जो सुविधा है उसके जो टैरिफ है वो 1600 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, फिर अपवर्ड में 5000-7000 तक जाते हैं। जनरली मेरे को स्टाफ ने बताया कि अगर आप वीकेंड के टाइम यहाँ आने का सोच रहे हैं सैटरडे संडे, तो प्री बुकिंग करा के आएंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रेट है। आप सबसे पहले चलकर नाश्ता करते हैं, और साथ में ना एक और इनकी अकोमोडेशन है वो भी देख लेते हैं, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और फिर हम लोकल साइट सीइंग को निकलेंगे। गणपति पुले आने का जो मेन जो टूरिस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है वो टेम्पल विजिट होता है, यहाँ का बीच साइड देखना और ऑब्वियसली नेचर एंजॉय करना। चलिए नाश्ता करने के लिए चलते हैं। जैसे आप जानते हैं, मुंबई से टैक्सी पे चल रहे हैं तो अभी हमारा लगेज लोड हो रहा है, 5-10 मिनट इसमें लगेंगे। तब तक ना हम इनके साथ चलते हैं, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है, दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, तब तक हमारी गाड़ी वहाँ हमको ज्वाइन कर लेगी। चले भैया। मेरे साथ ऐसा में वैभव भाई हैं जो इस रिजॉर्ट के मैनेजर हैं। नमस्ते। आपने बताया यहाँ पर डॉर्मेटरी एकोमोडेशन भी है, एक बार आप मुझे वो दिखा दीजिए। अभी वैसे हम बैम्बू हाउस पहुँच चुके हैं, तो एक बार ये दिखा दीजिए, फिर एक कॉटेज भी देखेंगे। सही है, एकोमोडेशन तो अच्छी है। टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं? 12। इसका टैरिफ कितना है वीकडे वीकेंड? 3300 वीकडे और वीकेंड का 3500 और वीकेंड 5300। गुड है। एक बेड नहीं, आई थिंक पूरे का होगा 12 बेड। डॉर्मेटरी भी मेरे को पसंद आई, अगर 10-12 लोग हैं तो क्वाइट कंफर्टेबल। टॉयलेट बाथरूम कितने हैं? 3 है सर। एक बंदे गुड ना के बेड्स पर। गुड। ये अच्छा, वॉशरूम भी ज्यादा है साथ। एक फैमिली के लिए भी अच्छा। हाँ। थोड़ा सा वॉक करके हम ब्रेकफास्ट पॉइंट तक आ चुके हैं। ये जगह मुझे वाकई में बहुत पसंद आ रही है। अब सोचो ये जगह जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ सामने, कुछ टेबल कुर्सी लगी हुई है, ऊपर से कवर्ड है, सामने समुद्र का क्लियर व्यू है, लहरें हवा इंजॉय करते करते आप फूड इंजॉय करो। सच अ नाइस प्लेस। मैंने कुछ देर पहले ही बोल दिया था कि हम पोहा उपमा नाश्ते में खाना चाहते हैं, तो ब्रेकफास्ट करेंगे फिर ऐसा इधर से हम थोड़ा आपका बोट क्लब भी देखेंगे। आओ। मतलब व्यू देखकर ही ना, मतलब चलो जी नाश्ता करेंगे। पोहा वैसे तुम यहां पे बैठ के कौन सा नाश्ता करना चाहते हो? और उपमा वैसे भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है पराठे का ज्यादा मजा है। पोहे का मजा ना देसी घी का पराठा डालो तो ज्यादा आता है। अगर मौसम ठंडा हो साथ में चाय शाय या कॉफी? नहीं कॉफी, चाय। सही है, अच्छी प्रिपरेशन है। और इस टेस्ट को जो
चीज चार चांद लगा रही है वो है समुद्र का किनारा। समुद्र किनारे बैठे हो, ये खा रहे हो, तो इस चीज का चार्म मल्टीप्लाइड बाय टू है। वेरी टेस्टी और बहुत मजा आ रहा है। उपमा का स्वाद मेरे को बहुत पसंद आया, वो भी टेस्टी था और ये भी मजेदार है। यार व्यू कितना अच्छा है पीछे दरख्तों का भी। पीछे दरिया नदी या है ना कुछ इस तरह ही है ना पानी है। हाँ बिल्कुल। मुझे इन्होंने बताया बोट क्लब में कुछ ही दिन में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कयाकिंग, स्पीड बोट, मोटर बोट, बनाना राइड और क्या होता है पैरासेलिंग। वेरी गुड। तो ये जो आपने सेक्शन बनाया है बैम्बू हट, ये है गेस्ट के बैठने के लिए। नाइस, सही है, एकदम समुद्र किनारे आप बैठे हो, अच्छा लग रहा है। ओवरऑल सी बीच भी गुड है। तो अभी एक बार कॉटेज देखते हैं फिर हम आगे निकलेंगे। तो ये है बैम्बू हाउस, सही अकोमोडेशन है, अच्छा कंफर्टेबल है। और अगर समुद्र का नजारा लेना है तो ये अलमारी लग रही थी। हाँ ओ, मुझे सबसे बेस्ट चीज ये लगती है व्यू नहीं कि विंडो होनी चाहिए। हाँ तो आपने मेरे को बताया इस अकोमोडेशन का टैरिफ है 3100 वीकडे और वीकेंड कितना 4000। सही बंदा वीकडे। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, जिस जगह हम खड़े हैं एक तरफ तो समुद्र है, काफी देर से हम सी व्यू देख रहे हैं, और एक तरफ खाड़ी है। तो समुद्र का पानी और वो खाड़ी का जो लेवल है ना सेम है, मतलब जिससे क्या है कि समुद्र का पानी हाई टाइड के समय अंदर आता है, लो टाइड के समय उसकी लेवल कम हो जाती है। तो ये भी एक देखो नेचुरल ब्यूटी है इस जगह की। थोड़ा एरियल व्यू से देखेंगे तो समझ आ जाता है कि समुद्र और खाड़ी और बीच में ये जगह। चलो बाय बाय और धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, विजिट अगेन। गणपति पुले रिसोर्ट महिंद्रा, पेट्रोल वाली लग रही है महिंद्रा। आई थिंक ये टेंपल में जा रहे हैं। इस समय हम भगवान गणपति मंदिर के दर्शन करने के लिए आए। कोविड के बाद ये टेंपल रीओपन नहीं हुआ तो हमने बाहर से ही दर्शन करे और आपको भी हम टेंपल विजिट बाहर से ही करवा रहे हैं। इस स्थान के महत्व के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ऐसा कहते हैं आज से 400-450 बरस पहले यहाँ पर गांव के प्रधान हुआ करते थे जिनका नाम था भेड़े जी। उनकी लाइफ में कुछ ऐसी समस्या हो गई जिसका समाधान नहीं हो रहा था, तो उन्होंने भगवान गणपति की आराधना करी, खाना पीना छोड़ दिया। तो उसके बाद भगवान गणपति उनको स्वप्न में आए और उन्होंने कहा इस समय मैं इस जगह से जहाँ से वो प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, 20 किलोमीटर दूर गणेश गुले गांव में विराजमान हूँ। मैं यहाँ से चल के इस स्थान पे आ रहा हूँ जहाँ पर वो आराधना कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करो और यहाँ पर मंदिर बनाओ, ऐसा उनको स्वप्न हुआ। तो अब आइडेंटिफाई करना आसान नहीं था क्योंकि ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। तो भगवान गणपति जिस शिला पे विराजमान थे वहाँ पर एक गांव वाले की गायें हैं, शाम के समय जाके दूध छोड़ दिया करती थी। तो ये बात जब गांव वालों को पता चली तो आपस में सबकी बात हुई तो तब जाके ये स्थान आइडेंटिफाई हुआ कि गणेश भगवान इस शिला के ऊपर विराजमान है। तो वहाँ यहाँ पर मंदिर की स्थापना की गई और भगवान गणपति के दर्शन करने यात्री तब से यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। इस मेन बात ये है कि भगवान गणपति का जो स्थान है ये स्वयंभू है। काफ़ी यात्री जब यहाँ पर आते हैं तो वो परिक्रमा करने के लिए केवल मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, ये पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करते हैं जो कि 1 किलोमीटर की परिक्रमा है। क्योंकि जिस शिला पे भगवान गणपति विराजमान है वो पहाड़ से जुड़ी हुई है,
तो परिक्रमा मतलब पूरा 1 किलोमीटर की परिक्रमा। इस स्थान को गणपति पुले क्यों बोलते हैं? पुले का मतलब होता है वाइट सैंड। ये जो बीच है ना समुद्र, ये टेम्पल के बाहर, यहाँ पर वाइट सैंड है, तो वहां से वो दोनों नाम जुड़ गए और बन गया गणपति पुले। ऐसा कहते हैं हिंदुस्तान में भगवान गणपति के मंदिर अलग अलग जगह में डिफरेंट डायरेक्शन को फेस करते हुए, यहाँ पर जो भगवान गणपति हैं वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। तो अभी हमने सी बीच विजिट भी कर लिया और भगवान गणपति के भी बाहर से दर्शन कर लिए हैं। अब हम यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से 1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे प्राचीन कोंकण करके एक म्यूजियम है। 300 या 400 साल पहले ये पूरा कोंकण क्षेत्र कैसे हुआ करता था उसकी वहाँ पे उन्होंने झलक दिखाई हुई है। तो ये हमारे लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और आप लोगों के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। चलिए प्राचीन कोंकण पहुँच के आपको हम ज्वाइन करते हैं। टेंपल से 1 किलोमीटर का सफर करके हम प्राचीन कोंकण पहुंच चुके हैं। यहां से हमने एंट्री टिकट ले लिया 40 रुपीज पर पर्सन और कैमरे का 20 रुपीज। तो हमारे साथ इस समय रूपाली जी हैं, तो आप हमें ये विजिट कराएंगे। तो ये सारे विजिट ना गाइडेड विजिट होते हैं, पीछे तो पर्सन का स्टाफ साथ जाता है और आपको ये 45 मिनट्स में पूरा टूर करवाते हैं। चलेंगे कहाँ से यार? ये अच्छा है, ठीक है। कैमरा का बेशक चार्ज करो लेकिन अंदर लेके जाना। सबसे पहले इन्होंने मेरे को 400 साल पुराना पीपल का पेड़ दिखाया है। ये देखिए जी सामने, देखो अभी भी हरा भरा है और अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। आओ जी, साथ मूर्ति भी थी। तो आपने मुझे बताया कवि माधव कोंकण के बहुत प्रसिद्ध कवि थे, तो उन्होंने ये कविता 100 साल पहले लिखी थी जो आपने शिला पे लिखकर टूरिस्ट को बताई है। शायर थे, इट्स लाइक केव है ना। अच्छा रास्ता है। कोकम का पेड़ बताओ, कितने दिन से हम रोज सोलगढ़ी पी रहे हैं, कोकम देख रहे हैं, लेकिन पेड़ आज देखा। अगर मैं गलत नहीं समझा तो सामने आपने अजगर इसलिए दिखाया है कि कोंकण क्षेत्र में अजगर और सांप होते हैं, बहुत होते हैं, और इस तरफ लोमड़ी, तुम्हें भी लगा ना? और सामने लकड़ लकड़ बग्गा। सही बहुत ही। सामने आप परशुराम जी के दर्शन कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था ये पूरा जो कोस्टल क्षेत्र है ना, इसको परशुराम भूमि भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान परशुराम ने यहाँ पे तपस्या करनी थी। पहले यहाँ पे समुद्र हुआ करता था, तो समुद्र को उन्होंने पीछे भेज दिया। ये इसकी जानकारी यहाँ पे देखिए लिखी भी हुई है। 40-50 तो ये रूपाली जी हिंदी में अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, तो ये मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हैं, तो मैं अपने शब्दों में आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। सामने देखिए गांव शिकार लिखा है ना, पहले गांव के कुछ लोग मिलकर सुअर का शिकार किया करते थे, फिर गांव वालों को खिलाया करते थे, ये इन्होंने इस जगह समझाया हुआ है। ये आप तीरफल का पेड़ देख लीजिए, इसको इंग्लिश में शेजवान पेपर भी बोलते हैं। चाइनीज फूड बनाने में इस्तेमाल होता है, फिश प्रिपरेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और वैसे अगर हम थोड़ा सा टंग पे रख लें तो नम हो जाती है ना कुछ देर के लिए। सही है, बताओ इसका पेड़ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, मसाले में करते हैं ना। देखिए ये माड़ी वाला भी एक इंटरेस्टिंग लर्निंग है हमारे लिए, सामने आप देख रहे हैं। तो हमें इन्होंने बताया कि सुबह जो गांव वाले हैं वो खेत में जाने से पहले ये कोकोनट ट्री से माड़ी निकालते हैं, उसको पीते हैं, उसके बाद खेत में जाके काम करते हैं। तो अब क्या होता है, सूरज निकलने के बाद दिन भर वो फर्मेंटेशन होती है, उसमें अल्कोहल एलिमेंट आ जाता है, तो इसको पिया जाता है प्री फर्मेंटेशन स्टेज पे। ये आज भी ऐसा होता है, कुछ लोग करते हैं ऐसा। अच्छा, कोंकण की काली मिर्च भी बहुत फेमस है। ये देखिए आप, काली मिर्च की बेल है ऊपर जा रही है ना, बेल होती है, मुझे भी नहीं पता। अभी तो इसका रंग हरा है,
जब ये ऑरेंज हो जाएगा तो इसको बॉईल किया जाएगा, ड्राई किया जाएगा तो काली मिर्च आ जाएगी। वाओ, मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता। इस समय हम मार्लेश्वर गुफा का रेप्लिका विजिट करने आए हैं, सामने आप देख लीजिए। इन्होंने बताया मार्लेश्वर की जो एक्चुअल गुफा है वो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। आज से लगभग 500 साल पहले भगवान शंकर ने एक चर्मकार को, जो चमड़े का काम करते हैं, उस इंसान को मार्लेश्वर गुफा में अपने साक्षात दर्शन दिए थे। तो मार्लेश्वर टेम्पल यात्री जाते हैं इस भाव से कि ये वही स्थान है जहाँ पर शंकर भगवान ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए थे। देखिए अब हम आपको कत्थे का पेड़ दिखा रहे हैं। कत्थे का सामने जो वृक्ष देख रहे हो, गत्ते के कत्थे का, इसको काटा जाता है। इसके अंदर एक लाल रंग का हिस्सा होता है जिसको पानी में डालकर उबाला जाता है। तो इन्होंने हमें प्रोसेस समझाने के लिए ये एक मॉडल सा बनाया हुआ है। नीचे भट्टी लगती है, आज की तारीख में नहीं होता लेकिन पहले ऐसा होता था, और ऐसे मटकी में उस लाल हिस्से को पानी के साथ मिक्स कर दिया जाता है और उसको उबाला जाता है। जब वो बड़ा सिरप फॉर्म में बन जाता है, मतलब उबल उबल के, तो उस चार मटकी का सिरप को पाँचवें में ट्रांसफ़र करते हैं, उसको और उबालते हैं, फिर उसको सुखाया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस इन्होंने बताया कि 4 से 5 महीने का प्रोसेस है। 4 महीने लग जाते हैं? अच्छा, तो आज ये प्रोसेस कैसे काम करता है मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं है। इनफैक्ट मेरे लिए कत्थे का पेड़ देखना भी पहला एक्सपीरियंस है। मेरे को आइडिया नहीं था कि कत्था कहाँ से निकलता है। पान तो देखो हम सब खाते हैं लेकिन वो कत्था कहाँ से आता है, ये बड़ी नई इन्फॉर्मेशन है। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक शॉप है, इनके पास लकड़ी से बने हुए बहुत सारे टॉयज हैं, और ये आपने मुझे बताया मैजिक लैम्प। एक बार आप दिखा सकते हैं इसमें तेल कैसे डालते हैं? अभी तो जैसे इसमें पानी डाल रहे हैं लेकिन डेमोंस्ट्रेशन तेल के लिए है। ठीक है, अब इसको आप सीधा कर दोगे। लो जी, आपने सीधा कर दिया और ऑयल बाहर नहीं आएगा, और यहाँ पर ऊपर आप लगा देंगे। ये तो बड़ा सही है, मैजिक ही है वाकई। तो ये मैजिक लैंप हो गया, क्योंकि लैंप जलेगा तो नीचे पाइप लगी हुई है अंदर जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आता। इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। तो आपके पास कुछ लोकल मसाले भी हैं। ये सामने कुछ अचार की वैरायटीज हैं, आप हमें कुछ मसाले दिखा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? दगड़ फूल। मैंने कभी देखा नहीं है दगड़ फूल, एक बार हाथ में उठा के देखेंगे। अच्छा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जयवित्री। प्राइजेस हैं दगड़ फूल का 20 रुपीस, दालचीनी का 30 रुपीस, और ये तीन आइटम का 40 रुपीस। ये विजिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए, अगर आप नॉलेज हंगरी हैं, आपको ट्रीज के बारे में जानकारी चाहिए, आयुर्वेदिक प्लांट्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेस। आप आराम से आगे 2.5 घंटे यहाँ पे बिता सकते हो। हमने ये जो गाइडेड टूर है ये अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स में किया। तो रूपाली जी धन्यवाद, थैंक यू, आपने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा लैंग्वेज उतने अच्छे से ये हिंदी नहीं बोल पा रहे थे तो मेरे को ये टुकड़ों में बता देते थे और मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दे देता था। ठीक है जी, बाय बाय। अभी देखिए दोपहर के 3 बज चुके हैं। यहीं पर ना कॉम्प्लेक्स के अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, तो हम लोग यहीं पर लंच करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। आइए जी, खाने वाला तो बहुत अच्छा है। बैंबू पे यार, नहीं मतलब बना भी अच्छा है यार, सुविधा अच्छी है। देखिए यहाँ पर हम लंच में क्या क्या खा रहे हैं। इस थाली में है कोंकणी भाजी, तुवर दाल है, इसको लोकल भाषा में यहाँ पे वरण बोलते हैं, मतलब लस्सी, छाछ, कचुंबर, मोदक, राइस, चपाती और पापड़। सबसे पहले भाजी टेस्ट करेंगे। वेरी गुड, मिक्स वेजिटेबल है लेकिन मसाले का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि एक बहुत डिफरेंट टेस्ट आ रहा है। सारे के सारे स्पाइसेस में लोकल इस्तेमाल किए गए और स्पाइसेस बहुत फर्क है। तीखा हल्का सा ज्यादा है काली मिर्च का। दाल लग रही है चने की। वाह, दाल ने ना समा बांध दिया है। लो जी, उकड़ीचे मोदक, इन्होंने ना ऊपर से घी ऐड कर दिया, तो इसका जो टेस्ट है ना वो घी के साथ
बहुत बढ़िया आता है, ये हमने भी देखा है। देखो जी, मैंने पहले भी बताया था, बाहर जो स्किन है इसकी आउटर कवरिंग वो चावल के आटे से बनती है, अंदर कोकोनट, जैगरी और कुछ लोग फ्लेवर के लिए इलायची भी डालते हैं। मजे का होगा यार। अच्छा स्वाद है। अभी मैंने ना 2 से 3 बार उखड़ीचे मोदक खाया, तो एक चीज मुझे समझ में आई है, अगर इसके टेस्ट को आपको बेस्ट इंजॉय करना है तो जब ये स्टीम होके स्टीमर से बाहर आए, आप उसको 5 से 10 मिनट के अंदर खा लो। स्टीमिंग हॉट होगा तो मजा ज्यादा सख्त हो जाता होगा ना। ओवरऑल गुड फूड। अच्छा हो गया हम यहाँ पे रुक गए और हमने फूड यहाँ पे टेस्ट किया। सामने कैफेटेरिया में हमने लंच किया। कैफेटेरिया के बाहर इन्होंने जयगढ़ फोर्ट का एक मॉडल तैयार किया हुआ है टूरिस्ट को दिखाने के लिए। अगर हम वेलनेश्वर से कोस्टल रूट लेके आते तो हम जयगढ़ फोर्ट विजिट करते और उसके बाद हम गणपति पुले पहुँचते हैं। हमने क्या किया, हम चले गए चिपलून, तो ये फोर्ट विजिट हमारा रह गया। अगर आप कोस्टल रूट से आएंगे तो आप फोर्ट विजिट करिएगा, आपको एग्जैक्टली ऐसा देखने को अभी नहीं मिलेगा, चार दीवारी आपको ज़रूर विजिट करने को मिलेगी। इस फोर्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जब तैयार किया गया तो इसका प्राइमरी पर्पस था जो बाहर से शिप आते थे उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना। चलिए जी, ये हमने इसका एक मॉडल देख लिया। अब नज़दीक में ना हमें रूपाली जी ने बताया था कि शेल म्यूजियम भी है, तो जाने से पहले एक बार विजिट करेंगे। पानी में लग उसी टाइप का है मुझे। वाह, यहाँ पर देख के लग रहा है काफी बड़ी कलेक्शन है, है ना? तो आप हमें मेन मेन शेल्स बता देंगे? इसे गणेश मुखी शंख कहते हैं। ये सामने से देखते समय गणेश जी जैसा दिखता है। इसे अपने घर में रखना बहुत ही पवित्र मानते हैं। जो मोती यूज करते हैं वो इस शिपी में बनता है। ये शिपी जब पानी में खुली रहती है तब उसके अंदर एक ऐसी चीज जाती है जो उसे चुभती है। वो चुभने की वजह से उस चीज के ऊपर वो एक लेयर बना देता है, उस लेयर को हम मोती कहते हैं। ब्लैक मोती इसमें बनते हैं, व्हाइट मोती इसमें बनते हैं और रेड मोती इसमें बनते हैं। इसे कलर शिपी कहते हैं। ये सब रंग ओरिजिनल हैं। समुद्र में जहाँ जरा भी प्रदूषण नहीं होता है और जहाँ पर प्रवाल यानी कोरच होते हैं वहाँ पे आप ऐसे कलरफुल शंख देख सकते हैं। ये हमारे कलेक्शन का सबसे बड़ा बजने वाला शंख है। ये शंख बजाते समय आपने श्री कृष्ण जी को देखा होगा, उनके हाथ में जो शंख है वो इसी प्रकार का है। इसकी आवाज़ इतनी बड़ी होती है कि पहले युद्ध के समय सैनिकों तक इसकी आवाज़ सुनाई देती थी। ये हमारे कलेक्शन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शंख है। इसकी लंबाई 18 या 20 इंच है। ये जब पानी में जन्म लेता है तब वो चावल के दाने इतना छोटा होता है। इतना बड़ा होने के लिए उससे 80 साल लगते हैं। इसको एक पूंछ होती है और उस पूंछ को एक जहरीला काटा होता है। वो काटा लगने से आदमी मर भी सकता है, लेकिन इसकी पूंछ काट कर ये मछली खा सकते हैं। ये ऑक्टोपस है। इसके ब्लड का ब्लू कलर होता है, हम सबके ब्लड का रेड कलर होता है। इनको 3 हार्ट होते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ। एक चीज, ये बेचने के लिए रखा हुआ है। हाँ। तो ये मोती है? हाँ। क्या कॉस्ट है इसकी? ये 100 और 150 का पेयर है। तो दिखा सकते हैं? हाँ। ये मोती देखने के 2 तरीके हैं। ये 2 एक जैसे नहीं दिखते हैं, उनकी शाइन भी अलग अलग रहती है। इनको घिसोगे तो इनकी पाउडर निकलती है, शाइन वैसी की वैसी रहती है। या फिर इसको जलाएंगे तो जलता नहीं या पिघलता नहीं या काला नहीं पड़ता है। अच्छा, ऐसे मोती की पहचान करते हैं? हाँ। अभी अगर प्लास्टिक या फाइबर का होता तो जल जाता या पिघल जाता। ये ओरिजिनल है इसलिए इसको कुछ नहीं हुआ। अभी तो गर्म हो। हाँ सही है। आपके पास शंख की बहुत बढ़िया कलेक्शन है। हाँ। और ये बेचने के लिए भी है, तो हम आपसे ये मोती एक तो ले लेते हैं पेयर। हाँ। ठीक है, तो आप ये दे दीजिए मेरे को।
एक बार मैं आपको पेमेंट करता हूँ। अच्छा, ये आपके पास सारी कलेक्शन है टूरिस्ट को देने के लिए? पहले मैंने प्लान किया था मैं गणपतिपुले में अभिषेक रिजॉर्ट में लंच करूंगा, फिर हम आगे निकल जाएंगे आरे वारे बीच और फिर रत्नागिरी, लेकिन लंच तो हमने वहीं पे कर लिया जहाँ गए थे, तो सोचा यहाँ पे चाय पीते हुए आगे निकलते हैं। मेन मेरा देखो यहाँ आने का पर्पस था वो ये कि यहाँ से मैं एरियल व्यू देखूँ अरेबियन सी का। अच्छा लग रहा है, नाइस। सी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा, हार्डली आई थिंक 150 मीटर्स, और जो रोड भी है वो भी 70-80 मीटर के करीब ही दूर है। अच्छा, नाइस व्यू और अच्छा एनवायरनमेंट है, दूर दूर तक पानी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पर आने का जो बेस्ट समय है वो पूरा साल ही है, सिर्फ बारिश के आप ढाई या तीन महीने छोड़ दीजिए, यानी जुलाई अगस्त से लेके मिड सितंबर। हम जैसे 17 सितंबर को यहाँ पर आए तो बरसात हो भी रही है, नहीं भी हो रही, मिक्स चल रहा है, जैसे आज पूरा सनी डे है, कल पूरा दिन बारिश होती रही, तो इसका भी अपना मज़ा और चाम है। अगर आप यहाँ पर अप्रैल मंथ में या मई मंथ में आते हैं तो आपको यहाँ पर फेमस जैक फ्रूट टेस्ट करने को मिलेगा और वर्ल्ड फेमस हापुस आम, ये दोनों चीज़ हमने मिस कर दी। एनीवेज, ट्रिप हमारा बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, और सबसे बढ़िया चीज़ है ना अक्टूबर नवंबर में आने का, मतलब मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इतनी सारी ग्रीनरी है यहाँ पर कि मेरा तो दिल खुश हो गया, मतलब पूरी बेल्ट जहाँ से हम चले हैं हर तरफ हरियाली है, लश ग्रीनरी बोलते हैं ना वैसा। चलिए अब हम यहाँ से कितना 2 किलोमीटर होगा आरे वारे बीच, और वहाँ चलते हैं और हम चल के बीच देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अभी हम आधा किलोमीटर ही आगे आए हैं, हमने गाड़ी रोकी है ये अमेजिंग व्यू देखने के लिए। वाह, क्या बात है, व्हाट अ व्यू, पहाड़ के ऊपर से हम बीच व्यू आपको दिखा रहे हैं और खुद भी देख रहे हैं, जैसा वो ड्रोन व्यू होता है ना ऐसा व्यू हम नजरों से देख रहे हैं, सुपर। आरे वारे बीच पास ही है, मेरे को लगता है कितना मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर होगा, शायद वही बीच साइड है, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं वहां पर खड़े हुए, लवली लवली, कितना अच्छा लग रहा है ना। वैसे अगर हम यहाँ से पैदल जाना चाहें ना तो पैदल भी जा सकते हैं, वहाँ पर ना सामने देखो कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे की तरफ जाने के लिए, वो देखो वहाँ से उतरकर यहाँ से चले जाएंगे आगे 1 किलोमीटर पैदल, लेकिन अभी हमारे पास गाड़ी है तो सीधा गाड़ी में हम बीच साइड तक चलते हैं। आओ जी, गणपतिपुले से 11 किलोमीटर का सफर करके हम आरे वारे बीच पहुंच चुके हैं। एक्चुअली में ये एक बीच नहीं है, दो बीच है। 1 किलोमीटर पहले आया था वारे बीच, वहां पर जो गांव है ना उसका नाम है वारे गांव, यहाँ पर गांव का नाम है आरे गांव, तो बोलने में हम लोग आरे वारे बीच बोल देते हैं। इस समय हमने गाड़ी खड़ी करी है, नजदीक से ही हम पैदल चलकर बीच साइड तक पहुंच जाएंगे। आप देखिए हम आए कहाँ से हैं, सामने आपको जो पहाड़ दिख रहा है उसके बीच में वो रोड है,
वहां से हम आए, ये छोटा सा ब्रिज बना हुआ है और इस पार आ गए। अब खास बात क्या है, मेरे को ये लोकेशन क्यों पसंद आ रही है, मेरे राइट हैंड साइड पे ये सब अरेबियन सी है और इस ब्रिज के नीचे से समुद्र का पानी होते होते उस तरफ को जा रहा है। देखो वो बैक वाटर्स है और पहाड़ और इतनी सारी ग्रीनरी तो आपको दिखाई दे ही रही है, तो मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा क्या बोलते हैं, मनमोहक दृश्य, राइट है। चलो बीच साइड को पैदल चलेंगे। लो जी हम आरे बीच तक पहुंच चुके हैं। इस समय देखो लो टाइड का टाइम हो गया, कुछ देर पहले तक हाई टाइड थी, पानी कहाँ का आगे तक आ रहा था, हमने गणपति पुले में देखा था। अब देखो आज हमारे को ना 8 दिन हो गए हैं समुद्र किनारे चलते चलते, हमने बड़े सारे सी बीच देखे हैं पिछले 8 दिन में। कितने अच्छे लग रहे हैं, एक तरफ से अगर ऐसा बोलो कि सारे सारे सी बीच एक जैसे होते हैं तो सही भी है और गलत भी है। मैं रीजन बताऊं क्या है, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि समुद्र का पानी तो एक जैसा होता है, लेकिन जब आप समुद्र के पानी के पास खड़े होकर सराउंडिंग्स देखते हो तो वहां पर डायनेमिक्स बदल जाते हैं। अब जैसे हम इस समय वॉक कर रहे हैं समुद्र के पानी तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर यहां पर आप देखो सराउंडिंग्स कैसे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना हमको कितने सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक लाइन में, ठीक है, और इस तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, तो ये डिफरेंट डायनेमिक्स है। तो मजा इसी चीज का है कि आप एटलीस्ट अगर इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लो, जो मेन मेन सी बीचेस हैं वहां रुककर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस लो हर सी बीच का, लवली। और इस समय देखो पूरे सी बीच में 15 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 टूरिस्ट होंगे। आओ जी समुद्र के पास चलते हैं। मुझे वैसे ये वाला टाइम बहुत अच्छा लगता है शाम का। कुछ देर पहले जब हम प्राचीन कोंकण गए थे ना, वहां हमने शेल्स देखे थे, अब ये देखो यहाँ तो शेल ही शेल है। ये मेरे सामने ये देखो, हर एक मीटर में, हर आधे मीटर में आपको शेल दिखाई देगा। ये देखो शेल, वाह, ये भी देखो कितनी नेचुरल ब्यूटी है, मजा आ गया। एक बात है, समुद्र का पानी काफी साफ है, नीचे ना सैंड के ऊपर भी काफी सारे शेल हैं। अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं ना तो मेरे को शेल दिखाई दे रहे हैं, वाह, मतलब आधा फीट के आसपास मैं नीचे देख पा रहा हूँ, क्या बात है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, इस सी बीच से अगर आप सनसेट देखना चाहते हो, ये भी बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस हो सकता है। बीच के सामने आपको सूरज दिखाई दे रहा है और इस समय तो देखो बादल है और 5 मिनट में सूरज बादलों के पीछे आ जाएगा और हमें सनसेट नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर 1-2 महीने के बाद नवंबर के आसपास जब आप यहां से सनसेट देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, ऐसा लगेगा सूरज एकदम पानी के अंदर ही जाके डूब रहा है। वाह नेचुरल ब्यूटी तो बहुत बढ़िया, सुपर्ब। थोड़ा इंजॉय करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से रत्नागिरी जाने वाले हैं। रत्नागिरी सिटी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इस समय 7:45 का टाइम है, हम रत्नागिरी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर रहने के लिए हमने अकोमोडेशन लिया होटल सी फैन में, प्रीमियम कैटेगरी रूम है, डबल ऑक्यूपेंसी का टैरिफ है 5,000 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्स एंड ब्रेकफास्ट। जब मैं यहाँ पर आने से पहले रिसर्च कर रहा था, मैं सिटी की बात नहीं कर रहा, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, तो मुझे पेट्रोग्लिफ्स के बारे में मालूम चला। आपकी जानकारी के लिए रत्नागिरी में हाल में ही, मतलब कुछ साल पहले ही पेट्रोग्लिफ्स की डिस्कवरी हुई है। तो क्या होता, बड़ी सी रॉक पे आज से 8,000 साल पहले, 10,000 साल पहले कार्व की गई है एनिमल की शेप्स, ह्यूमन शेप। तो वहाँ से ASI को क्लू मिल रहे हैं कि यहाँ पर सिविलाइजेशन कितने साल पहले थी और इंसान एलिफेंट्स कैसे होते थे, उनकी शेप कैसी होती थी, इंसान कैसे दिखते थे, ह्यूमंस। तो ये हिस्ट्री का एक नया चैप्टर ओपन हो गया है पेट्रोग्लिफ्स मिलने से। आप थोड़ा गूगल में इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कल हम एक या दो पेट्रोग्लिफ्स विजिट कर सके, अगर ये बात पॉसिबल होगी तो। तो अब बताइए आज अच्छा। का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ओवरऑल ये जर्नी हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। अब आगे का सफ़र कुछ ऐसा है कि हमने रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के बाद आगे चल के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट भी विजिट करनी है और उसके बाद वहीं से हम गोवा चले जाएंगे और गोवा में वीडियो शूट नहीं करेंगे। गोवा में थैंक्स फॉर योर टाइम, ठीक है, क्योंकि गोवा का सीरीज हम ऑलरेडी बना चुके हैं।
ठीक है, अभी मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जो हमारी कल की जर्नी होगी समथिंग लाइक अ डे इन रत्नागिरी। चलो जल्दी दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड बाय फॉर नाउ। वो क्या है, स्लाइड है क्या है? ब्रिज तो नहीं लग रहा। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, रतन दुर्ग फोर्ट पहाड़ के ऊपर है, तो लगभग 3 किलोमीटर का सफर करके हम एंट्री गेट तक आ चुके हैं। चलिए फोर्ट के अंदर जाएंगे। नहीं मतलब डिफरेंट फोर्ट है, ये म्यूजियम के अंदर बना हुआ है। नहीं ये वो वाला, अभी सीन भी नजर आया। कितनी खूबसूरती, यानी ग्रीनरी कितनी अच्छी थी। ये वही वाला ना जो मॉडल था म्यूजियम के अंदर, मेरा नहीं ख्याल। थेचा के साथ भी सही है और बिना थेचा के भी सही है। ये जो कड़वे वाला है, नाम इसका है कड़वे, लेकिन मुझे कड़वे नहीं लग रहे, मेरे को तो बड़े स्वाद लग रहे हैं। वेरी गुड टेस्ट, लवली। भाई कोंकण रीजन की मैं बात करूँ तो इसकी तारीफ मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा सुनी है कि बहुत खूबसूरत है, और खासतौर पे यहाँ पे ग्रीनरी जो है वो मैंने सुना कि काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। महाराष्ट्र टूरिज्म की वीडियोस देखी थी और उसमें भी हम लोगों ने देखा था, लेकिन ये कि आज हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको डिटेल में एक्सप्लोर किया है वीडियो के थ्रू, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज़ तो वो व्यू था, ग्रीनरी थी, और मुझे लगता है आपके सफर का मजा और ज्यादा हो जाता है जब आपकी अकोमोडेशन अच्छी होती है, क्योंकि आप ज्यादा टाइम तो नहीं गुजारते, लेकिन जब तो आप थक हार के वापस आते हो ना, तो आपका मन यही करता है कि आपके पास एक अच्छा कंफर्टेबल और यू नो अच्छे एनवायरनमेंट वाली अकोमोडेशन हो। यार इस तरह के जो होते हैं ना रिजॉर्ट्स जो खासकर ग्रीनरी के अंदर होते हैं, उनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जब रात को आते हैं, सो जाते हैं थक के, सुबह जब फ्रेश फ्रेश उठते हैं, तो आपको जो चिड़ियों की या दूसरे जो परिंदे होते हैं उनके जो चहचहाने की आवाज़ें जो होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं। आपकी एक तरह से ना सारी थकावट जो है उतर जाती है। जो उनका फर्स्ट रिजॉर्ट था जहाँ पे उन्होंने स्टे किया था, वहाँ का जो एक व्यू था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये एक एक पिछली तरफ वो खाड़ी जो वो कह रहे थे, खाड़ी मेरा है शायद वो फॉर्म होगी, मतलब जहाँ पे समंदर का पानी जाता, समंदर का पानी जाता होगा, और सामने आपके जो है समंदर है, तो आपको जो है ये बहुत यू नो अच्छा एक व्यू नजर आता है। वैसे मुझे बिल्कुल मैं मौजूद की बात से इतफाक करूंगी, एक तो कानों में जब सुबह सुबह परिंदों की आवाज आती है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा पौधों की एक अलग महक होती है, जो आप मतलब ऐसे सांस लेते हो, इनहेल करते साथ आपको अजीब सा सुकून मिलता है आपके दिमाग को, पौधों की मिट्टी की एग्जैक्टली वो खुशबू होती है। फिर उसके बाद जो व्यू है इसमें वो इतना अच्छा है कि आपकी आंखों को भी ना सुकून मिलता है। लेकिन ये कि जो फर्स्ट वाला रिजॉर्ट था उसकी मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी कि स्पेशली जो नाश्ते के लिए जो उन्होंने जगह बनाई हुई थी, और फिर उसके साथ साथ जो यू नो जहाँ पर बोटिंग होती है, वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, वहाँ पर भी जिस तरीके से उन्होंने एक जगह बनाई हुई थी वो मुझे बहुत पसंद आई। ये फिर उसके अलावा अगर बात करें फर्स्ट रिजॉर्ट की, तो आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज है, जैसे बेम्बूस वाला था, फिर उसके बाद अगर 10-12 लोग मिलकर जाते हैं तो आपको जो है यहाँ पर खासतौर में बात करें डिफरेंट डिफरेंट कमरे लेने पड़े, 3-4 कमरे, तो इतना किराया बन जाता है, तो वो अगर देखा जाए तो ये भी एक काफी सुविधा है कि जवान जो है वो ऊपर वाली सीट पे सो जाएंगे, तो ये भी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा कम्फर्टेबल रहता है। फिर उसमें एक और चीज में बड़ी अच्छी लगी थी कि वो पूरी अकोमोडेशन में जो 12 लोगों की थी उसमें 3 वॉशरूम भी थे, 3 वॉशरूम थे, यानी कि नजर आया नहीं, 3 थे उन्होंने बताया, 3 है। अच्छा। तो इस लिहाज से भी जो है मुझे वो काफी ज्यादा जो बेहतर लगा, ताकि लड़ाई शुड़ाई ना हो। नहीं नहीं ये वाकई में बहुत अच्छी, क्योंकि एक वॉशरूम तो वाकई में लड़ाई है कि जल्दी बाहर निकलो, मुझे भी जाना वॉशरूम में। बट ये कि फिर उसके बाद जब म्यूजियम आए मुझे वो बहुत अच्छा लगा, और आज हम लोगों ने भी बहुत सारी नई चीजें देखी, जैसे कि जो दरख्त थे, काली मिर्च की बेल थी, मुझे नहीं पता था काली मिर्च किस तरीके से मतलब उसकी बेल है, फिर क्या होता और बनती कैसे है, हमें जो कथा था, इवन के जो शेजवान का शेजवान था मतलब उसका भी एक दरख्त होता है, ये भी हम लोगों को नहीं पता था। कथे का तो मुझे बिल्कुल नहीं था आइडिया, वैसे मैं तो मैं तीनों का आइडिया नहीं था कि बेल होती है और इस तरह जो है मुझे तो ये
यही था कि भाई दरख्त पे जो है वो बन जाती होगी, जो काली हो जाती होगी, क्योंकि अक्सर होती है ना चीजें जो दरख्तों पे हो जाती हैं, तो मतलब इस तरह हो जाती है कि लेकिन जो है तो बेचारी दरख्तों पर ही है, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है लाइक मतलब मैंने ज्यादा देखा है जितने भी मसाले वगैरह होते हैं प्रोसेस के थ्रू फिर ही चीजें होती है, जैसे अगर हम कॉफी बीन्स को भी देख लें तो उसको भी तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिर उसके बाद कॉफी बनती है, कॉफी बनती है, लेकिन जो सुविधाएं हैं उसके अंदर वो बहुत अच्छी हैं, स्पेशली हमारे से लोगों को खाने की सुविधा बहुत अच्छी, इतना चलने के बाद वो भूख लग जाती है, इतना चलने के बाद थक जाते हैं तो व्हीलचेयर की भी जरूरत पड़ सकती है, अल्लाह ना करे यार, कैसी बातें करता है, फिर फायदा क्या, मतलब अगर आपने आपको अगर एंजॉय करना ना तो लगा फिर आपको अपना थोड़ा सा ना फिट रखना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा मैं एक चीज के लिए जरूर हैरान होती हूँ कि हम लोग मतलब इंसान आजकल के टाइम में कोई पता नहीं होता 50, 60, 30, 40 किस एज में मतलब उसकी डेथ हो जाती है, बट मैं दरख्तों को देखती हूँ मतलब इतने इतने साल पुराने, 100-100 साल पुराने, 200-200 साल पुराने होते हैं, कभी कभी ऐसा मैं सोचती हूँ कि मतलब ये लोग इतनी देर तक कैसे और जिंदा रह लेते हैं यार, मतलब सोचने वाली बात ये, है ना? ये लोग तो नहीं पता दरख्त है तो जानदार चीज बिल्कुल है तो जानदार चीज ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन क्या नाम लेते हैं दरख्त जो है दुनिया में कई ऐसे दरख्त जिनकी आपको जो है वो तस्वीरें देखने को मिलती है कई 100 साल पुराने हैं वो आपको, इवन के अब तो खैर हमारे गाँव में तो काट दिया गया दरख्त जो वो दायरे में होता था बोर्ड का, वो अभी तो नहीं है लेकिन वो भी काफी पुराना था, फिर हमारे घर के पास भी जो है एक जगह है वहां पे भी काफी पुराना जो है एक दरख्त है, तो दरख्तों की वैसे नो डाउट काफी लंबी जिंदगी होती है, अब इसके पीछे की मुझे रीजन नहीं पता अंटिल अनलेस उन्हें इंसान काट ना दे, बिल्कुल एग्जैक्टली, या फिर क्योंकि देखो आंधी तूफान, लेकिन ये कि वो लोग जो है ना वो जूझते रहते हैं, हाँ वैसे समटाइम्स आंधी तूफान इस तरह की भी आती है कि वो भी उखाड़ देते हैं दरख्तों को, ये भी होता है। अच्छा वैसे और भी में जैसे एक मतलब जो दिया दिखाया गया मैजिक दिया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा यार, वो तो मैं कहता हूँ बड़ा मजे की चीज थी, और एक चीज ये मुझे अच्छी लगती है कि एक ही जगह के अंदर उन्होंने ना आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हैं एक टूरिस्ट के लिए बनाई गई हैं, यानी कि आप म्यूजियम के अंदर अगर शॉपिंग भी करना चाहते हो मतलब छोटी मोटी डिफरेंट चीजें जैसे वो लकड़ी से बनाई गई थी तो आप वो भी ले सकते हो, फिर उसके अलावा जो जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शंख थे, शेल्स थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, और दो तीन चीजें उसमें मेरे लिए बड़ी नई थी, एक तो मोती किस तरह से बनता है ये वाला, और जो लास्ट वाला शंख था मतलब उसके बारे में भी हाँ कि 80 साल में वो बनता है, तो ये मेरे लिए कुछ हैरानकुन चीजें, और एक और चीज बड़ी हैरानकुन थी कि मोती को आग नहीं लगती, ये मुझे नहीं था पता, इसलिए थोड़ा सा इसको हैरानगी नहीं हुई क्योंकि पत्थर भी जो आप पहनते हो ना लाइक जो आपके स्टार के अकॉर्डिंग होता है उसका भी इसी तरीके से चेक किया जाता है कि आप आग लगाकर देखो अगर तो वो जलेगा नहीं तो इट मींस कि वो सही वाला नहीं, उसमें और भी काफी सारी चीजें थी लेकिन मैंने जो है इनके रगड़ने का सुना है या और भी दो तीन तरीके से आग लगाने का नहीं मैंने सुना हुआ, अच्छा होता होगा लेकिन अगर प्लास्टिक होता है तो लाजमी बात है तो आग लग जाती है, और अगर वो असली पत्थर होता है तो वो फिर बच जाता है, लेकिन मोती का जो जिस तरह उन्होंने जलाया वो मिली थोड़ा सा जरा था तो बाकी और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर आते हैं हम बीच की तरफ, मुझे बहुत अच्छा लगा बीच का व्यू अरेबियन सी का, खास जरूर बोलूंगी कि ना वाकई में बीच तो हर जगह पर होते हैं लेकिन हर किसी की अपनी एक वाइब रहती है, वो डिफरेंट लगता है आपको, जैसी आपकी सराउंडिंग होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको अच्छा फील होगा, वाइब भी आपको आएगी, कुछ डिफरेंट भी लगेगा, तो मुझे तो ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो लगी और आई एम श्योर कि मौजम भी कोई बीच विजिट करना चाहेगा, मुझे अगर जिंदगी में मौका मिला तो मैं जरूर, बहुत सारे बीचेस हैं ऐसे जो मैं अब उनसे नाम ना पूछ लेना, मैं बीची बीची फील करना चाहूंगा, उसके अलावा जो है मैं जो इसमें जो पूरा शो होस्ट जिन्होंने किया है पूरी उनकी मैं बात, उनका भी बोलने का तरीका जो है बहुत अच्छा लगा, काफी की तरह मुझे लगते हैं ये ना बहुत अच्छा, वैसे मुझे हमारे ना मुझे भी बीच में मेरे नहीं हाँ मुझे बीच में बहुत ज्यादा फील हुआ कि वो हमारे हमारे कजन की तरह जो ये लग रहे हैं, और इसके अलावा जो बीच में हम लोगों ने टेंपल देखा वो गणपति पुले टेंपल खूबसूरत जगह पर था, और जिस वजह से मतलब के उस जगह का नाम पड़ा
मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, वैसे वो मेरे लिए काफी ज्यादा हैरानकुन वो भी चीज थी कि वो टेंपल का नाम जिस तरह पड़ा और जिस जितनी तपस्या उन्होंने की। तो वाकई आप जब इस तरह के वाक्या सुनते हैं और जब इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स का, बहुत सारी ऐसी चीजों का पता चलता है जो आपने जिंदगी में कभी सुनी ही नहीं होती। वेल गाइस, ये तो तुम्हारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप में से कौन कौन इस जगह पे विजिट किया हुआ है, यानी कि अगर हम गणपति पुले की बात करें जो टेम्पल है वहां की, और फिर उसके बाद हम लोग आगे कोंकण की बात करें, तो जरूर बताइएगा बीच पर कौन कौन गया है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।